नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम गोयल, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर से आज आपके सामने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। द पिंक रिबन डिनोट्स द पिंक हेल्थ ऑफ अ फीमेल। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में पाए जाने वाला सबसे कॉमन कैंसर है। वर्ल्ड वाइड कैंसर की इंसिडेंस बढ़ती ही जा रही है। इंडिया अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ केसेस पूरे वर्ल्ड के ब्रेस्ट कैंसर के प्रेजेंट करता है, जिसमें से परसेंटेज ऑफ डेथ रेट मोर देन 50% है। सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड डिलेड डायग्नोसिस। सो आज हम इसी अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर क्या है? कोई भी एबनॉर्मल लंप जो कि आपके ब्रेस्ट या आर्म पिट में हो, या फिर कोई भी ऐसा स्किन चेंज जो कि एबनॉर्मल हो, लाइक स्किन का थिक होना, रेड होना, या फिर उसमें कोई भी छाले या अल्सर का आना। इसके अलावा निपल का रिट्रैक्शन या निपल का किसी भी तरीके से कोई भी चेंज निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स में, ये एक अलार्मिंग साइन है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। सो अगर आपको ऐसा कोई भी साइन या सिम्टम नज़र आता है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर को जाके विजिट करें। ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स ऑल ओवर वर्ल्ड इस मंथ में डाले जाते हैं। इसके तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। कोई भी महिला जो कि 20 साल से ज़्यादा की उम्र की है, वो इस सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकती है। महीने में महीना ख़त्म होने के पहले हफ्ते में अपना ब्रेस्ट खुद एग्जामिन कर सकती है। इसके रिलेटेड वीडियोस यूट्यूब पे, इंटरनेट पे डाले काफ़ी प्रचलित हैं। इसमें महिला खड़े होकर, बैठकर और लेटकर तीनों पोजीशंस में अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन कर सकती है। ये इसके लिए शुरू किया जाता है ताकि आपको एबनॉर्मल और नॉर्मल ब्रेस्ट का डिफरेंस पता लग सके। सेकेंड थिंग होती है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से करवाया जा सकता है, जो कि 3 साल में एक बार होता है। आखिरी बट लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्क्रीनिंग मैमोग्राफी। स्क्रीनिंग मैमोग्राफी कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा एक्सरे होता है, जिसमें बहुत लो डोज में एक्सरे हम देते हैं, जो कि स्पेशली ब्रेस्ट में होने वाले किसी भी चेंज को डिटेक्ट कर लेता है। और ये डिटेक्शन इतना अर्ली होता है कि जितना पहले आपके क्लिनिशियन या आप खुद भी उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो स्क्रीनिंग मैमोग्राफी से ये फ़ायदा होता है कि हम कैंसर को बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं, जिससे क्योर रेट और लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ जो होती है पेशेंट की, वो काफ़ी बढ़ जाती है। ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए जो स्क्रीनिंग मैमोग्राम होते हैं, वो जनरली 40 साल से बाद की उम्र पे एडवाइजेबल होते हैं, क्योंकि वो एक सही टाइम होता है इस मैमो को करने का। 40 साल के बाद हर साल एक बार स्क्रीनिंग मैमोग्राम जरूर करवाएं। 40 साल से कम की अगर उम्र है आपकी और आपको स्क्रीनिंग करवानी है, तो उस कंडीशन में अल्ट्रासाउंड ऑफ ब्रेस्ट इज़ एडवाइजेबल। मेन ट्रीटमेंट मॉडेलिटीज़ जो ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, उसमें सबसे पहले आता है सर्जरी, सेकेंड नंबर पे कीमोथेरेपी या हार्मोन थेरेपी, एंड लास्ट आता है रेडियोथेरेपी। ये तीनों मॉडेलिटी का डिसीजन एक ट्यूमर बोर्ड के थ्रू किया जाता है, जो कि पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन और उनकी स्टेजिंग के बेस पर डिसीजन लिया जाता है। इसमें कुछ डिसीजन आपकी स्टेजिंग के बेस पर होता है और कुछ डिसीजन पेशेंट के हाथ में होता है कि वो ब्रेस्ट कंजर्वेशन करवाना चाहता है या ब्रेस्ट कम्प्लीटली रिमूव करवाना चाहता है। ये सारे डिसीजन एक पूरी टीम के समक्ष लिए जाते हैं और फिर पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। आजकल टेक्निक्स इतनी एडवांस हो गई हैं कि अगर हम ये ट्रीटमेंट, ब्रेस्ट कैंसर का कंप्लीट ट्रीटमेंट टाइमली लें, तो इससे क्योर रेट को काफ़ी इंक्रीज किया जा सकता है और लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ काफ़ी बढ़ाई जा सकती है। सो आज की ज़रूरत ये है कि हम अर्ली डिटेक्शन और कंप्लीट ट्रीटमेंट पे जोर दें। सो गर्ल्स एंड लेडीज़, यू आर द रियल बैकबोन ऑफ योर फैमिली, इसलिए आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस मंथ में अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, इस मंथ में अपने आप को ये अपनी हेल्थ केयर की गिफ्ट दें, अपनी मदर, सिस्टर, डॉटर्स, इनसे बात करें, अपना एग्जामिनेशन, सेल्फ बेस्ड एग्जामिनेशन करें, और कहीं भी कोई भी ऐसा डाउट आए या कोई भी ऐसा सिम्टम आपको मिले जो मैंने बताया है, तो अपने नियर बाई डॉक्टर से विजिट करें और उनकी बताई हुई जांच और इलाज को आगे कराएं। धन्यवाद।